फ्रेंड्स, ये सारी गंदम हमारी जो है वो गिर गई है। पानी लगाया था इसको, तो पानी लगाने से के बगैर भी गुजारा नहीं होता, और पानी लगाया तो हवा चली तो सारी जो है वो ये गिर गई। इससे पहले एक दफ़ा मैंने इसी की वीडियो बनाई थी कि पानी लगाया था और कुछ बचत हो गई थी, गिरने से बच गई थी थोड़ी थोड़ी सी, बीच में से कुछ कुछ जो है वो पौधे थे। लेकिन आज जो है वो इस दफ़ा लगाया पानी तो हवा चली तो सारे का सारा जो है वो ये खेत गिर गया गंदम का। बहुत अफसोस होता है जब ये किसान की इस तरह फसल जो है वो सारी गिर जाती है। बाकी है तो ये सारे अल्लाह के काम, तो सिर्फ आधे घंटे का जो है वो फ़र्क पड़ा है इसको। इससे आधा घंटा या एक घंटा पहले जिसको पानी लगाया था वो बच गई, वो ये वाली खड़ी है, ठीक है। पहले इसको लगाया था तो इसका पानी जो है वो कुछ खुश्क हो गया था, उसके बाद इसको लगाया था तो इसके बाद थोड़ा सा उधर जो है वो डेरे के नज़दीक जहाँ से ये स्टार्ट होता है वहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको, तो यानी कि आधे से एक घंटे का फ़र्क पड़ा है। तो उसके दरमियान जो है वो ये हवा चली और गिर गई, इसमें पानी अभी खुश्क नहीं हुआ था तो ये सारी की सारी गिर गई, बिस्तर बन गया पूरा का पूरा। बाकी इसमें भी जो है अल्लाह पाक की कोई ना कोई मसलहत होती है, जितना हमारे नसीब में रिज़्क लिखा होता है उतना तो हमें मिल जाना होता है। तकरीबन दाना तो चिट्टों में पड़ गया होता है, अगर फूल ज़्यादा जो है वो हरी होती तो फिर ज़्यादा नुकसान होता था। अभी किसी हद तक इसका जो है वो दाना गंदम जो है वो इसमें दाना इसमें पड़ गया था, तो उम्मीद है कोई इतना ज़्यादा जो है वो इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। दाना कुछ बारीक रहेगा लेकिन दाना इसमें सिट्टे में जो है वो पड़ गया हुआ। ये देखे ना, बहुत ज़्यादा हरी नहीं थी, अभी इसने लाल की पकड़ना शुरू कर ली थी। बाकी मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। ये देखें, ये इसके साथ वाली वो खड़ी है, इसमें अभी पानी खड़ा था, इसको अभी ताज़ा लगाया था तो ये गिर गई। उसका पानी कुछ सूख गया था, खुश्क हो गया था, बच गई, ये सारी की सारी गिर गई। इसको नहीं लगाया था, ये देखें खड़ी है। और बारिश तो अभी हमारे नहीं हुई, 2-3 दिन से जो है वो बारिश का भी सीन बना हुआ है, काफ़ी बादल वगैरह। आज भी अभी थोड़ी सी धूप निकली है, पहले सुबह बहुत बादल थे। तो जी देखें, अगर बारिश पड़ी होती तो आंधी भी बहुत, तूफान भी बहुत आया था परसों, तो उससे भी तो सारी गिरने का खतरा होता था। लेकिन हमने जो जिसको पानी लगाया था वो तकरीबन जो है वो सारी गिर गई है। 3 एकड़ का पानी लगाया था, उसमें से 2 तो ऑलमोस्ट सारे गिर गई है ना। ये देखें साथ साथ में वो दिखाता जाता हूँ। ये देखिए, इसमें से इसका जो है वो पानी, इसको जो पहले लगाया था ये वो वाली है, इसके बाद उसको लगाया जो हमने अभी आपको दिखाई है तो वो गिर गई, उसमें पानी खड़ा था। उसके बाद फिर वो आगे मैं दिखाता हूँ आपको, उसको लगाया था तो वो भी हवा चली और सारी की सारी जो है वो बिस्तर बन गया, गिर गई बिल्कुल सारी। बहुत अफसोस हुआ, बाकी इंशाल्लाह ज़्यादा नुकसान नहीं होगा उम्मीद है। लेकिन जब ऐसे एक तैयार फसल गिरती है ना किसान की, तो उसे बहुत दुख होता है। लाया तो फिर अल्लाह की मर्ज़ी, बिल्कुल अल्लाह के आगे तो किसी का कुछ नहीं किया जा सकता, जो भी होता है हमारे हक में बेहतर होता है। लेकिन हमने पानी भी तो लगाना होता है, पानी लगाने के बगैर भी गुजारा नहीं होता। ये देखें जी, ये सारी बिस्तर बनी हुई है, एंड पे इसको लगाया था, इसमें भी कुछ पानी खड़ा था, सारी की सारी जो है वो गिर गई। ये बच गई है, इसको पानी को थोड़ा इसका खुश्क हो गया था, इसको एंड पे लगाया था, ये सारी की सारी बिस्तर बन गई। बाकी आज हमने ये कुछ काम करना था, ये दरख्त जो है वो कुछ आंधी से गिरे थे, टूटे थे, कुछ इसके झंगाई की है, ये सारे उठाते हैं, उठाकर जो है वो इसको सारे लेकर जाते हैं, उसको डेरे रखते हैं, इसके एक जगह इकट्ठे लगाते हैं, इसमें फिर जो है वो बिजाई करेंगे कपास की, उसके लिए ज़मीन तैयार कर रहे हैं। ये वाली, ये सारी लकड़ियाँ अब हटाएँगे, इसमें उठाकर उधर रखेंगे डेरे पे। ये राया जो है वो इसकी फसल जो है वो कटाई कर दी है इसकी, तो ये खुश्क हो गया। आज अगर बारिश ना पड़ी तो इसको कल जो है वो परसों या कल निकाल लेंगे, अगर बारिश ना पड़ी तो थ्रेशर लगा के इसको भी निकालेंगे फिर।
यार ये गंदा एक दफ़ा फिर देखें, कितना अफसोस हो रहा, रोना आ रहा है। वैसे क्या करें, अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, उसके आगे कुछ नहीं किया जा सकता। अल्लाह पाक जो भी करें हमारे हक में बेहतर करें और हमें हमारे रिज़्क में बरकत अता फरमाएं। जितनी हमारे नसीब में लिखी हुई होगी वो तो इससे भी मिली जानी है। ये भी कुछ पड़ी हैं, ये भी उठाएंगे। ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं उठाने, ये उठा के सारी उधर रखते हैं डेरे पे। और जाते जाते एक चीज़ और देख लेते हैं कि हमने जो है वो धनिया की जो और पालक की कटाई की थी जो मंडी में फेंकी थी, तो अभी वो दोबारा देखते हैं कितना कितना हो गया उसको। एक दफ़ा दोबारा उसकी कटाई करके दोबारा जो है वो फेंकेंगे उसमें मंडी में। ये देखिए अभी दोबारा उसकी ग्रोथ हो रही है थोड़ी थोड़ी। ये देखें अभी इतना ज़्यादा नहीं होगा, पहले वाला जो ज़्यादा था वही था, उसके बाद अब कम होगा क्योंकि पहले ज़्यादा बड़ा हो गया था। अगर उसकी टाइम पे कटाई हो जाती तो फिर दोबारा अच्छी तरह हो जाना था, लेकिन उसकी कटाई थोड़ी सी हमने जो है वो लेट की थी। ये पालक तो दोबारा हो रही है, उसके बाद जो है वो ये धनिया रहता है थोड़ा सा हो जाएगा। तो ये भी ये इसकी ये वाली जो है बेलें ये वाली ये हर दफ़ा तोड़ देते हैं, ये फिर हो जाती है, इनका पता नहीं क्या मसला है। ये बी कुछ इस तरह के आते हैं, ये अभी एक हफ्ता पहले सारी तोड़ी हैं, ये दोबारा फिर हो गई हैं। ये देखें अच्छा जी, चलो इसको बाद में तोड़ते हैं। अभी ये धनिया देख लिया कितना हो गया, अभी हम अपना काम करते हैं, वो सारी लकड़ियाँ उठाकर इधर ला कर रखते हैं। यहाँ पे भी मेरे ख्याल से कुछ दरख्त की शाखें गिरी हैं टूट कर, तो ये सारे प्याज जो है वो ख़राब हो गए। ये देखें ये सारी अब उठाते हैं हम एक एक करके और लाकर इधर रखेंगे। ये जगह बनाई हुई है, ये छोटा सा बछड़ा, ये देखें ये मज़ारों की है जो गाय इसने दिया है न्यू बच्चा। ये यहाँ से सारे उठा लिए मैंने, वो रख रहे हैं जाके सारे यहाँ से उठाए। अभी रह गए हैं ये इस जगह वाले, अभी ये उठाएंगे, उसके बाद देखेंगे अगर ज़्यादा थकन ना महसूस हुई तो फिर वो आगे वाले भी उठाएंगे, लेकिन फ़िलहाल अब ये उठाएंगे। ये वाले उठा लिए मैंने, अब ये उठा के उसके बाद एक दफ़ा तो मैं सांस लूँगा, अगर दोबारा इस्तात हुई उठाने की तो फिर उठाएँगे, क्योंकि मुझे थकन बहुत जल्दी महसूस होती है। फिलहाल ये उठाएंगे और मैं बस करूंगा, अभी जल्दी जल्दी से ये भी उठा लेते हैं। लो जी बालन तो सारा उठा लिया, लकड़ियां सारी, अभी ये एक प्यारा सा क्यूटू सा ये हमारे मज़ारों की है गाय, उसने दिया प्यारा सा बेबी किटू किटू। मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने कहा चलो इसको कैप्चर कर लेते हैं। चलो जी हमारा काम हो चुका है और थकन भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, अभी हम चलते हैं फिलहाल और वीडियो को एंड करेंगे।